We are discussing solution of damped simple harmonic motion. If we switch to equation number 3, जो सी general solution लिखा सीगा, general differential equation दा, damped SHM दी असी differential equation बनाई सी. उसके दो साढ़े को रूट्स आए थे अल्फा वन ते अल्फा टू असी सोल्यूशन लिखा सीगा इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3. पहले केस के विच असी डिस्कस किया है वी व्हेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन ओमेगा नॉट स्क्वायर, इट इज अ केस ऑफ हैवी डैम्पिंग. द सेकंड केस इज व्हेन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, बी मीन्स आर अपॉन 2m, दैट इज दिस केस इज when r square upon 4m square is equal to s upon n, that is the damping term is equal to stiffness term. Is case nu assi critical damping da case kehne ha. So case number 2, critical damping, it arises when b square is equal to omega naught square. इक्वेशन नंबर 3 जी हूँ असी देखी सी उदों तो साढ़े को एक्स लिए की बन जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी सी वन प्लस सी टू. सी वन तो सी टू दोनों आर्बिट्ररी कॉन्सटेंट्स ने, इन्हों का सम भी एक कॉन्सटेंट पेगा. सो एक्स बिकम्स सी ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी. असी इस इक्वेशन के बी की जगह वो वैल्यू पुट कर देती आर अपॉन टू एम. इक्वेशन नंबर 6 बन गई साढ़े को क्योंकि इक्वेशन के असं देखते हैं भी जी डिस्प्लेसमेंट है इट डिक्रीज एक्सपोनैशली, एक्सपोनैशियल फंक्शन पर डिपेंड कर दी है, तो माइनस साइन है टाइम के वन के नाल जी डिस्प्लेसमेंट है इट डिक्रीज कंटीन्यूअसली किस तरीके इन एन एक्सपोनैशियल वे. देयरफॉर द ऑसिलेटर डज नॉट, द सिस्टम विच इज सपोज टू ऑसिलेट does not oscillate in actual sense when b square is equal to omega naught square. Is karke it is also a non-oscillatory case. Itthe vi assi nu leave kar sakde ha, par assi we can discuss some more points coming under this case of critical damping. Assi jehda constant c hai edi nature discuss kar sakde ha. Under this condition अल्फा वन ते अल्फा टू जिहड़े दो रूट्स ने दोनों बराबर हो जाएंगे. सो द सोल्यूशन ऑफ सैकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वन डिमांड्स दैट सी मस्ट बी ए प्लस बी टी. दिस इज द कंडीशन व्हेन द टू रूट्स आर इक्वल. तां क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सैकेंड ऑर्डर है तो दो आर्बिट्ररी कॉन्सटेंट होने चाहिए है, देयरफॉर सी मस्ट बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी टी. That is, the solution must include two constants. Thus, solution 6 can be written as C jagah te ki likhenge the a plus bt e raised to power minus bt. But the exponential term hai, it has no dimension. Therefore, a must possess the dimension of displacement. That means a kisi length nu डिनोट कर रही है. प्रोडक्ट ऑफ बी टी, बी की डिस्टेंस होएगी, टी इज द टाइम, तो बी की होएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम. मीन्स बी मस्ट पोजेस द डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डिमेंशन ऑफ वेलोसिटी. इस करके जोड़ा बी है क्योंकि कॉन्सटेंट है, कॉन्सटेंट वेलोसिटी होएगी. वी मे टेक इट एज सम इनिशियल वेलोसिटी. इस करके असी इस इक्वेशन नू डिस्कस करांगे from initial conditions where a represents a constant length, b a given velocity depending on initial conditions, and if at t is equal to 0 initial condition hai shuru de vich je displacement bhi 0 hove, and we take jadon displacement 0 jo pass kar reha si with velocity v, oh initial velocity ho gayi, sare cheezan put kariye sade kol ki aa gaya
ए की वैल्यू साढ़े को जीरो आ गई, ये दोबारे पुट करिए वी गैट एक्स इक्वल टू बी टी ई रेज टू पावर माइनस आर पॉइंट टू एम इन टू टी। बी क्योंकि वेलोसिटी है कॉन्सटेंट है, असं बी की जगह पर वी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी दी पर्टिकुलर वैल्यू कॉन्सटेंट वैल्यू है, और वी मे राइट इट एज एक्स इक्वल टू वी टी ई रेज टू पावर बी माइनस बी, क्योंकि बी कि बराबर है आर पॉन टू एन, वी इज इनिशियल वेलोसिटी। असं ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट डिस्कस कर लगे हैं, वी शैल ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, बेशक क्रिटिकल डैम्पिंग दे विच पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करता, पर अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन तो असी उन्हों डिस्प्लेस कर दिता, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन से वापस आएगा एक बार, इट विल कम बैक वंस, रिपीटेडली नहीं आएगा, क्योंकि जो रिपीटेडली आता है तां वो मोशन ऑसिलेटरी होंगे, असी ऑसिलेटर जो सिस्टम है जो पार्टिकल है उन्हों डिस्टर्ब करता, वो इक्विलिब्रियम पोजिशन तो असी इंपल्स देती एक कंपल्सिव फोर्स लाई कितनी एक दूर जा सकता, वी ट्राई टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्योंकि जिते मैक्सिमम वैल्यू होएगी एक्स की उत्थे पार्टिकल रिटर्न करना शुरू करेगा तो उत्थे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। देयरफोर असी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहला, फिर असी उत्ते शर्त लावांगे कंडीशन लावांगे फॉर एक्स टू बी मैक्सिमम डी एक्स बाई डी टी विल बी जीरो, इन दिस केस अगेन द सिस्टम कैन नॉट ऑसिलेट, उस चीज़ को असी रिपीट किया, असं ऐसी इक्वेशन सैवन हूँ की कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस स्टैप के डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि असं डिफरेंशिएट किया एक्स में डिफरेंशिएट किया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होएगी कदों जो एक्स किसी टाइम पर टी पर है तो उदो उस टाइम पर वेलोसिटी होएगी, असं इसमें सिंबल दिता वी टी इज इक्वल टू वी कॉन्सटेंट है टी ई रेज टू माइनस बी टी दो फंक्शन है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन असं डिफरेंशिएट करना फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन सैकेंड प्लस सैकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट, असं उ फार्मूला ला के सिंपल डिफरेंशिएशन वाला असं आ स्टेप पर पहुँच गए वी माइनस आर अपॉन टू एम इंटू टी आर टी आ गई फस्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सैकेंड असं इन डिफरेंशिएट कर रहे हैं आर अपॉन माइनस आर अपॉन टू एम टी ई रेज टू माइनस आर अपॉन टू एम इंटू टी, इन डिफरेंशिएट किया सिंपली वन आ गया, साढ़े को कॉमन टर्म आ गई ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन टू एम इंटू टी पिछ की रह गया माइनस आर अपॉन टू एम टी प्लस वन आ रेशो बी है असं सिंपलीफाई तरीके लिखे माइनस पी टी यार वी टी इज इक्वल टू वी इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी ए जगह बी लिख लिया बी टी वन माइनस बी टी, हूँ जी वी टी है इट इज़ द वेलोसिटी एट टाइम टी, ये जो वो टाइम है जो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजिशन पर है उदों फिर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। यार फोर वैन एक्स इज मैक्सिमम तो डी एक्स बाई डी टी की हो जाएगा इट विल बी जीरो, तो उत्थे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जीरो, इस सानू की रिजल्ट दिंदा है वन माइनस बी टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं ना ही आ टर्म जीरो हो सकती है, देयरफॉर प्रोडक्ट जो सारा जीरो है तो वन माइनस बी टी नू जीरो होना पड़ेगा, दिस गिव्स अस टी टू बी इक्वल टू वन अपॉन बी इक्वेशन नंबर नाइन, की फिजिकल मीनिंग है ये वो टाइम है क्रिटिकल डैम्पिंग दे विच तुहाडे तों पुछिया जाए भी किन्ने टाइम दे विच पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम विचों तों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ते होएगा रेसिप्रोकल ऑफ वन अपॉन पी, बी की है आर अपॉन टू एम, टू किन्ने टाइम होएगा टू एम अपॉन आर, तुहानू कहा जाता है भी एक पार्टिकल का मास एन है डैम्पिंग फैक्टर आर की वैल्यू तुम दी है, उतो तुम पता कर सकते हो भी हाउ मच टाइम
पार्टिकल विल बी एट इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टी दैट टाइम इज द रेसिप्रोकल ऑफ बी. सो डिस्प्लेसमेंट एट दिस टाइम इज की होएगी मैक्सिमम. मैक्सिमम तो होएगी होएगी कितनी टी दी वैल्यू वन अपॉन बी असी एस इक्वेशन कर दें एस के बन जाएगी वी टी टी जगह वन अपॉन बी कर देंगे या टी जगह वन अपॉन बी की हो जाएगा वी अपॉन बी इंटू वन अपॉन ई उक्वेशन असं इतने लिखी एक्स इक्वल टू वी अपॉन बी वन अपॉन ई वी अपॉन बी आ रेशो वन अपॉन ई की हम 0.368 वी अपॉन बी देयरफोर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. डिस्प्लेसमेंट कितनी है एनी किन्ने टाइम से डिस्प्लेसमेंट बन जाती है वन अपॉन बी टाइम टू एम अपॉन आर टाइम देयरफोर ये न्यूमेरिकल इस तरह कोई पूछ सकता है एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल. दिस वी क्वेश्चन नंबर 10 की दिंदा सानू गिव्स द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अंडर क्रिटिकल डैम्पिंग कंडीशन. ये केस असं क्रिटिकल डैम्पिंग के दौरान डिस्कस कर रहे हैं. Gives the value of maximum displacement covered under critical damping condition before it comes to rest, before the system comes to rest. ये जो behavior है, the adjoining figure सानू ये behavior नू illustrate कर दी है. जिसमें ये axis the displacement, इस पर से time, क्योंकि ये non oscillatory है, particle नू displace करता mean position तो any दूर गया. फिर अपनी डिस्प्लेसमेंट मीन वालू आ रहा जीरो डिस्प्लेसमेंट वालू आ रहा. ये पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन्नी है जो तुम कोई फिगर दी हो आ वैल्यू दी आ एक्सिस पे आ जी लेंथ दी हो वैल्यू कितनी होएगी 0.3682 एम वी अपॉन आर. यहाँ से कहिए इट विल बी वी बी ई रेज टू पावर माइनस वन और टू एम वी अपॉन बी की वैल्यू पुट की आर रिलेशन बन गए. क्रिटिकल डैम्पिंग केस है कदों है वैन आर स्केयर अपॉन फोर एम सीरियल एस अपॉन एम आ टाइम है इस पास. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कदों होंगी है आ पॉइंट टी की वैल्यू कितनी है वन अपॉन बी आ जी तो वन अपॉन बी की वैल्यू देखी लिखी आ रही है आ पॉइंट जिथे आ जो डॉटर लाइन जिथे एक्सिस कट दी वह टाइम कि वन अपॉन बी और टू एम अपॉन आर. Now the last case, case number 3, underdamped or damped of, clickens underdamped or damped simple harmonic motion. Asal ch, did I have damping oscillator the, a case thi, asal ch sinu oscillatory motion is case chi kamaange. Kadon de, when b square is less than omega naught square. Matlab damping jehdi term hai it is weaker than stiffness term aur r square upon 4m square is less than s upon m. Tas ye dekhiye ye aa cheez hai equation number 1 je assi equation number 1 te jaiye ta jehde roots ne they will become imaginary. This is equation number 1. This is equation number 1. इक्वेशन नंबर वन के जो रूट्स ने कितने ने साढ़े को इक्वेशन नंबर वन के रूट साढ़े को अल्फा वन आ से अल्फा टू क्योंकि बी स्केयर लैस दैन ओमेगा नॉट स्केयर रूट के अंदर एक नैगेटिव फैक्टर है एक नैगेटिव फिगर है नैगेटिव क्वानटिटी है इतने भी नैगेटिव क्वानटिटी है मतलब रूट के अंदर जो नैगेटिव चीज़ आ जाए तो नैगेटिव माइनस वन कर लें माइनस वन का मतलब आयोटा स्केयर आयोटा बाहर आ जाएगा आयोटा की रिप्रजेंट करता है इमेजनरी देयरफोर व्हेन बी स्केयर इज लैस दैन ओमेगा नॉट स्केयर अल्फा वन भी इमेजनरी बन जाएगा अल्फा टू भी इमेजनरी बन जाएगा. इसी करके असं लिख रहे हैं कि व्हेन बी स्केयर इज लैस दैन ओमेगा नॉट स्केयर तो जो रूट्स ने रूट्स ऑफ इक्वेशन वन के जो रूट्स ने दे विल बिकम इमेजनरी इमेजनरी अल्फा वन अल्फा टू असं इतने दुबारे भी लिख गया वो तो आई असं माइनस साइन बाहर कढ़ के आयोटा आ गया इतने आयोटा आ गया अल्फा वन अल्फा टू नॉट दे आर इमेजनरी असं इन्हों
एक्चुअल फॉर्म दे विच इन्हां चीज़ां नूं एक्सप्रेस किया दूसरे स्टेप दे विच बी नूं असीं आर अपॉन टू एम लिखता बी नूं असीं ओमेगा नॉट स्क्वेयर नूं एस अपॉन एम फॉर कन्वीनियंस असीं की कीता आ जिहड़ी टर्म है ओमेगा नॉट रूट वाली टर्म नूं असीं ओमेगा डैश लिख लिया सिंपल जिवें असीं पहले केस दे विच इहनूं क्यू लिया सी इत्थे असीं फॉर कन्वीनियंस असीं सिंपल चूज कर लिया ओमेगा डैश तां अल्फा वन की बन गया माइनस बी प्लस आयोटा ओमेगा डैश अल्फा टू इज माइनस बी माइनस आयोटा ओमेगा डैश दोनों असी अल्फा वन ते अल्फा टू असी दोबारे उस इक्वेशन लिखिया बी दी जगह असी आर अपॉन टू एम असी लिख लिया है तां कि सानू इस फॉर्म का भी पता लगी जाए भी अस बी दी वैल्यू आर अपॉन टू एम है तो हम जो इक्वेशन नंबर थ्री है जो जनरल सोल्यूशन है साड़ा इक्वेशन नंबर वन है वो इक्वेशन साड़ी प्रेजेंट केस के असं की रीराइट किस तरह कर सकते हैं ई रेस फॉर माइनस बी टी सी वन ई रेस फॉर आयोटा क्योंकि उत्थे की सीगा इतने रूट सीगा असली इक्वेशन नंबर थ्री में की है इतने एक रूट है बी स्केयर माइनस ओमेगा नॉट स्केयर पर जो बी स्केयर लैस हो जाता है तो की बन जाता है आयोटा रूट ओमेगा स्केयर माइनस बी स्केयर तो रूट वाले चीज़ में असं ओमेगा डैश लिखते हैं देयरफॉर इट इज सी वन ई रेज़ टू आयोटा ओमेगा डैश टी प्लस सी टू माइनस आयोटा ओमेगा डैश टी असं सिंपलीफाई करना जस्ट ठीक है आ चीज़ की है आयोटा थीटा ई रेज़ टू आयोटा थीटा की होंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा असं सी वन की लिखा इस इज कॉस ओमेगा डैश टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा डैश टी प्लस सी टू आती बन जाएगी कॉस ओमेगा डैश टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा डैश टी इन्हों दोनों जो कॉस ओमेगा डैश टी कॉमन आ जाएगा तो साइन ओमेगा डैश टी कॉमन आ जाएगा असं इस इक्वेशन पर पहुँच गए सी वन प्लस सी टू कॉस ओमेगा डैश टी कॉमन प्लस आयोटा दोनों जो कॉमन आएगा असं बाहर कढ़ लिया साइन ओमेगा डैश टी कॉमन कट के इधर लिख लिया बच्चे रह गया इधर सी वन माइनस माइनस साइन सी टू सो फर्दर सिंपलीफिकेशन लिए असं की किया सी वन प्लस सी टू क्योंकि कॉन्स्टेंस ने ए साइन फाइव पुट कर लिया आयोटा सी वन माइनस सी टू नू ए कॉस फाइव पुट किया साढ़े को बन गया ए कॉमन ए बन गया साइन ओमेगा डैश टी कॉस फाइव साइन ओमेगा डी डैश टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा डैश टी साइन फाइव एंड दिस इज साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव तो इक्वेशन नंबर अलेवन की है जनरल सोल्यूशन इन केस ऑफ अंडर डैम्पिंग जो डैम्पिंग टर्म वीकर है इन कंपेरिजन टू स्टिफनैस टर्म असं की देखते हैं कि आ जो फैक्टर है इट इज टाइम डिपेंडेंट ये कि फैक्टर होंगे एम्पलीट्यूड होंगे या फिर एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ अंडर डैम्पिंग की है कॉन्सटेंट नहीं है तो डिक्रीज कर रहा है सोल्यूशन के साइन टर्म आ रही है साइन कि फंक्शन है हारमोनिक फंक्शन है ऑसीलेटिंग फंक्शन है देयरफॉर एक्स भी ऑसीलेट करेगी यद मतलब जो एक्स ऑसीलेट कर दी है ऑसीलेट कि दुआले करता हूँ अबाउट इट्स मेन पोजिशन देयरफॉर इन द थर्ड केस वैन बी स्केयर इज लैस दैन ओमेगा नॉट स्केयर वैन डैम्पिंग टर्म इज वीकर दैन स्टिफनैस टर्म उदो जो सिस्टम है वह जो बिहेवियर इट इज नीयरली ऑसीलेट नीयरली का मतलब एबसोल्यूटली ऑसीलेटरी तो कदों होंगे जो एम्पलीट्यूड कॉन्सटेंट रहे जिम्मे फस्ट केस है पर इतने एम्पलीट्यूड कॉन्सटेंट नहीं है लगातार डिक्रीज करता एक्सपोनेंशियली इस करके एबसोल्यूटली ऑसीलेट नहीं है ऑसीलेटरी है दिस इज ए केस ऑफ नीयरली ऑसीलेटरी मोशन या फिर इक्वेशन 11 इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 अंडर अंडर डैम्प्ड कंडीशन clearly the system is oscillatory but with continuously diminishing amplitude at asi
एस एम्पलीट्यूड का भी टाइम डिपेंडेंट है, सिंपल असं ए टी का देता है किन्ना है ए ई रेज टू पावर माइनस बी टी बी की वैल्यू आर पॉइंट टू एम या फोर एक्स इज इक्वल टू ए टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। तो एम्पलीट्यूड किन्ना है एट एनी टाइम टे ए टी ए ई की पावर माइनस बी टी, फ्रीकुएंसी किन्नी है ओमेगा डैश ई के बराबर है ओमेगा नॉट स्केयर माइनस बी स्केयर, ओमेगा नॉट स्केयर की है एस अपॉन एम बी की है बी स्केयर की है आर स्केयर अपॉन फोर एम स्केयर। आ जी एडजॉइनिंग फिगर है ये जो थर्ड केस है अंडर डैम्प्ड जी कंडीशन है वो दौरान ऑसिलेटर जो ऑसिलेशन की नेचर को एक्सप्रैस करता है, असं दो साइकिल कंप्लीट तो एक हाफ साइकिल शो किए हुए असं की देखते हैं पहले साइकिल दे विच एम्पलीट्यूड किन्ना इन्ना दूजे दे विच एम्पलीट्यूड किन्ना घट जाता है अगे होर घट जाता है। ये कौन दसता है एम्पलीट्यूड दे जिहड़ी डिक्रीजिंग नेचर है वो आ चीज़ आ इक्वेशन इनू एक्सप्रैस करती है ई दी पावर माइनस आर पॉइंट टू एम इन टू टी, क्योंकि यह अंडर डैम्प्ड केस है बी स्केयर माइनस ओमेगा बी स्केयर इज लैस दैन ओमेगा नॉट स्केयर दैट इज आर स्केयर अपॉन फोर एम स्केयर इज लैस दैन एस अपॉन एम। सो विद दिस वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज डैम्पिंग व्हाट इज ए डैम्प्ड ऑसिलेटर हाउ कैन वी राइट डाउन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर हाउ दैट इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। साढ़े को तीन केस थे फस्ट केस वाज ए केस ऑफ हैवी डैम्पिंग दैन क्रिटिकल डैम्पिंग एंड लास्ट वाज द केस ऑफ अंडर डैम्पिंग। असं ये देखिए जो फस्ट केस दैट वाज ए डेड हीट कंडीशन, सैकेंड केस क्रिटिकल डैम्पिंग, थर्ड केस वो केस है जिसे जो पेंडुलम है इट इस मोशन इज पेंडुलम सॉरी एक जनरल टर्म यूज करांगे व्हेन द सिस्टम मे रिमेन इन ऑसिलेटिंग स्टेट फॉर क्वाइट टाइम। उस तो बाद क्योंकि जी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी विल टेक प्लेस कंटीन्यूअसली कुछ टाइम तो बाद जो ऑसिलेटर इट विल कम डाउन टू इट्स रेस्ट स्टेट। जिम्मे अस पेंडुलम का केस देखते हैं पेंडुलम अपनी रेस्ट स्टेट के होंगे जो असं अपने मीन तो डिसर्व करते हैं when it is allowed to oscillate तो कुछ टाइम तो बाद जो ऑसिलेशन है डाई डाउन होंगे जाने फिर पेंडुलम है इट अगेन कम्स टू रेस्ट स्टेट एटोमैटिकली क्योंकि एयर रजिस्टेंस की करती है इट लैड टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जी असं शुरू चुनू इम्पार्ट की। सो दिस इज ऑल अबाउट वट इज डैम्ड ऑसिलेटर हाउ इट्स इक्वेशन कैंडिडेट हाउ वी कैन फाइंड इट्स सोल्यूशन। इस तो अगे मैथड ऑफ डिस्क्राइबिंग डैम्पिंग असं नैक्सट लैक्चर डिस्कस करा। थैंक यू सो मच।